सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फ्री एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप आपके प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर रिव्यूज डाल सकते हो और रिव्यूज को इंपोर्ट भी कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये जो एप्लीकेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये कंप्लीटली फ्री होने वाला है। आपको इसके कोई भी मंथली चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन यार, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अच्छे से, क्योंकि आपको पहले तो मैं वीडियो का जो पहला पोर्शन रहेगा उसमें आपको इस एप्लीकेशन के कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जो आपको करना बहुत नेसेसरी है, नहीं तो आपको फेसबुक बैन भी कर सकता है क्योंकि वो फेक रिव्यूज में कंसिडरेशन आ सकता है। तो जो जो मैं सेटिंग्स बताऊंगा वो आपको सेटिंग्स करनी है, और साथ ही साथ मैं इस जो रिव्यू एप्लीकेशन का नाम है वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो के एंड तक जरूर स्टिक रहना पड़ेगा। ओके गाइस, सो इस रिव्यू एप्लीकेशन का नाम क्या है वो तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको इसके सेटिंग्स जानना चाहिए, क्योंकि अगर से आपने सेटिंग्स प्रॉपरली नहीं करके रखे तो आपके रिव्यू ऐड में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो आपको शायद पसंद ना है। मतलब फोटो रिव्यूज आपके छोटे दिख सकते हैं या फिर 4 स्टार के नीचे वाले रिव्यू दिख सकते हैं, वो सब चीजें। तो पहले ना आप पहले ये ढंग से देख लो कि मैं सेटिंग्स क्या बता रहा हूँ, और लास्ट में आपको इस रिव्यू के एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा जो कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हो आपको बेसिक से ये येस और नो क्वेश्चंस पूछता है, उसके बस आपको आंसर करते जाना जैसे जैसे क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो क्वेश्चंस चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाके आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो मेन सेटिंग्स है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे विजेट में आना पड़ेगा, और यहाँ पे रिव्यू विजेट के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, रिव्यू विजेट के अंदर अपना जो ये रिव्यू विजेट का यहाँ पे जो आपको ये चेकबॉक्स दिख रहा है इसको आप ऑन करके रखिए। ठीक है, इसको टर्न ऑन करके रखना है। यहाँ पर आपको इसको लिस्ट नहीं रखना है, विजेट लेआउट को आपको ग्रीड रखना है। इस टाइप से अपने रिव्यूज दिखना चाहिए, ना कि इस टाइप से। ठीक है, एक के बाजू में एक दिखेंगे तो मल्टी बहुत ज्यादा रिव्यूज लगते हैं भर भर के स्टोर के ऊपर, एक के नीचे एक रहेंगे तो इतने ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन जब एक के बाजू में एक इस तरह से रहेंगे मोबाइल के ऊपर और ऐसे डेस्कटॉप के ऊपर तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा रिव्यू, भले नंबर ऑफ रिव्यूज दोनों में सेम ही रहेंगे। इसलिए पहले अपन ग्रीड व्यू इसको रखेंगे। उसके बाद में आप इसका डार्क स्टाइल जैसे आपको रखना है, इसका जो डिफॉल्ट जो इसने सेटिंग सिलेक्ट करके रखा हुआ उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, स्टार कलर वगैरह जो होता है चाहे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं यूजुअली स्टार कलर जो रखता हूँ वो रखता हूँ मैं ऑरेंज। ठीक है, इस टाइप में तो आपको भी ऐसे कुछ स्टार कलर रखने का है। ओके, उसके बाद में आपको नीचे आना है, रेटिंग में आपको इसको अनफोल्ड बिल्कुल नहीं करना है, सॉरी इसको अनफोल्ड करना है, इसको फोल्ड नहीं करना है। फोल्ड से क्या होगा कि यहाँ पर सी मोर का बटन आ जाएगा, आपके रिव्यू जो भी लिखेंगे ना लोग उसके वहां पे सी मोर का बटन आ जाएगा। तो बड़ा रिव्यू है तो फिर वहां पे सी मोर का बटन आ जाएगा, लेकिन छोटा है तो ऑफकोर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अपने को अनफोल्ड रखना, जिससे रिव्यू बड़ा है तो बड़ा ही दिखे। दैट्स इट। रिव्यू डेट में आप ये जो यहाँ पर आपको दिखता है इसको आप मंथ डेट ऐसे रख सकते हो या फिर इसको हाइड रख सकते हो, लेकिन मैं यूजुअली पर्सनली यार इसको हाइड ही रखता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स अपन प्रोडक्ट में जो रिव्यूज डालना चाहते हो तो अपन एक ही दिन में बहुत ज्यादा रिव्यूज डाल देते हैं, इसको आप इसको हाइड रखा कीजिए। ठीक है, उसके बाद में नेम और लास्ट नेम में आप जेसन हार्वी पूरा नाम दिखा सकते हो या फिर पूरा नाम और ऐसा कुछ मतलब सरनेम को आप छोटा सा दिखा सकते हो, ऐसे टाइप से आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूरा रखना, मेरे फेसबुक की थोड़ा सा स्कैमी नजर में आता है, इसलिए आप इसको पूरा रखना। ठीक है, कंट्री फ्लैग आप फ्लैग रख दो या फिर आपको अगर हाइड करना है तो आप हाइड भी कर सकते हो, मैं इसको ऑन रखूंगा, अच्छा लगता है इंडिया का कंट्री का फ्लैग देखना लोगों को इसलिए। ठीक है, वेरीफाइड बैच आप इसको ऐसे के ऐसे छोड़ दो, इसका कोई ऐसा मीनिंग है नहीं, वेरीफाइड परचेसेस वैसे भी आ नहीं रहे, वो तभी आएंगे वेरीफाइड का आइकन आपके स्टोर के ऊपर जब जेन्युइन कस्टमर आपको डालेगा तो उसके आगे ऐसा वेरीफाइड का टिक बॉक्स आएगा जब जेन्युइन कस्टमर डालेगा तब, लेकिन आप खुद से जाके रिव्यूज वहां पर डाल रहे हो इंपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको ये वाला नहीं आएगा। तो वैसे इसको आप एज इट इज छोड़ दो वेरीफाइड बैच को। पेजिनेशन में आप इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, नंबर ऑफ रिव्यूज पर पेजेस, कितने आपको नंबर ऑफ रिव्यूज पर पेजेस चाहिए, मैं यूजुअली 20-25 वगैरह रिकमेंड करता हूँ, आप 22 डाल के रख देना। ठीक है, मतलब एक पेज के ऊपर कितने देखेंगे, बाद में फिर उसको नेक्स्ट करना पड़ेगा बाकी रिव्यूज को देखने के लिए, अगर से 22 से ज्यादा रिव्यूज है तो। फोटो प्रायोरिटी वाले रिव्यूज हमारे टॉप में पहले रहने चाहिए। ठीक है, हमेशा जिसमें फोटोज है वो रिव्यूज हमारे टॉप पे आना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा ट्रस्ट बढ़ता है। ओके, उसके बाद में राइटर रिव्यू बटन को आप शो रख दीजिए। ठीक है, बाकी इसमें आपको और एज इट इज इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बस आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है, जैसे अभी ये हमारा सेव हो गया वापस हम यहाँ पर जाएंगे और अभी क्लिक करेंगे हम लोग स्टार रेटिंग विजिट के ऊपर। तो यहाँ पर गाइस आपको ये जो तीनों ऑप्शंस दिख रहे हैं इसको आप ऑन करके रखो, और शो स्टार्स विदाउट रिव्यू को आप अनचेक करके रखना। इट मींस कि जब होम पेज के ऊपर और कलेक्शन पेज के ऊपर हमारे रिव्यूज दिखेंगे तो वो कुछ इस टाइप से दिखेंगे, लेकिन अगर आप इसको चेक कर देते हो ना तो जो टी शर्ट के ऊपर या फिर जो भी प्रोडक्ट के ऊपर 0 रिव्यूज होंगे तो उसके ऊपर भी 0 स्टार दिखेंगे, तो ये बहुत बुरा इंपैक्ट गिरता है इस चीज का, इसलिए इसको ऑफ रखो, जिससे आपके स्टार्स बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे और जिस पे रेटिंग्स है उसका ही रेटिंग्स वहां पे दिखेगा। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन, बाकी इन सबको आप ऑन रख लेना। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव।
उसके बाद में राइटर रिव्यू में एक बार हम जाके देखते हैं। जहां तक मुझे पता है राइटर रिव्यू में कोई हमें कुछ चीजें देखना है नहीं, ठीक है। ऑल रिव्यूज के अंदर भी आपको सेटिंग्स के अंदर कोई चीज करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट, इतना ही हो गया। उसके बाद में गाइस अभी जो है आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स में आपको डिस्काउंट के अंदर, यार इसको आप ऑफ ही रख लो, ठीक है। डिस्काउंट का कोई मीनिंग नहीं है वैसे, अपन देते भी नहीं कुछ, तो इसको आप ऑफ ही रख लेना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक बार मैनेज रिव्यू न्यू रिव्यूज में आपको जाना है और 4 stars एंड अप वाले रिव्यूज को ऑन करके रखना है। इट मीन्स अगर से कोई भी जेन्युइन कस्टमर आ जाता है और लेट से उसने 1 या 2 का रिव्यू दे दिया, बेकार सा कुछ रिव्यू लिख दिया, तो उसका रिव्यू ऑटोमेटिक अपने स्टोर के ऊपर दिखेगा ही नहीं। जो 4 stars और उसके अबव के रिव्यू रहेंगे, 4 और 5 stars वाले, वही हमारे स्टोर के ऊपर दिखेंगे। तो आप इसको ही ऑन रखना, ठीक है ना। रिव्यू नोटिफिकेशन में आप आपका ईमेल डाल के रखना, जिस पर आपको सपोर्ट पर ईमेल आएगा जब भी कोई रिव्यू डालता है तब। तो ये चीज आप जरूर करके रखना। उसके बाद में गाइस रिव्यूज वाला सेक्शन हमारे लिए अभी लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेसिकली जैसे आप स्टोर पर देख सकते हो, यहाँ पर अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पर अभी देख सकते हो आप 0 reviews है, ठीक है। सो मैं नीचे आऊंगा, कस्टमर रिव्यूज यहाँ पे ऐसा स्टेप से आपको दिखेगा इस एप्लीकेशन में। आपको बस राइटर रिव्यू करना है, इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। राइटर रिव्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं ऐसा कुछ भी रिव्यू डाल देता हूँ अभी के लिए, फोटो डाल देता हूँ एक अच्छा सा, ठीक है। ये वाला अमेजिंग प्रोडक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे नाम डाल दिया मयूर थोरात। ईमेल तो आप कुछ भी डाल सकते हो लिटरली, ठीक है। ऐसा कुछ करके आपने डाल दिया। अभी इसको डन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद अभी एक सेकेंड, हाँ देख सकते हो आप यहाँ पे 1 review आ गया है। स्टार का रेटिंग हमारा येलो है जैसे हमें चाहिए था, और देखो कितना सही लग रहा है। इमेज का साइज भी अच्छा खासा बड़ा है और सब कुछ। और लिटरली दिस एप्लीकेशन इज कम्प्लीटली फ्री फॉर यू गाइस, ठीक है। तो आप इसको बिंदास रह के इसको यूज करो और अपने स्टोर के ऊपर डालो। उसके बाद में जो हम रिव्यूज वहां पर डालते हैं वो हमें यहाँ पर भी दिखते हैं इस रिव्यूज वाले टैब्स के अंदर। जैसे मैंने अभी उधर रिव्यूज डाला, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा वो वाला ही रिव्यू दिख रहा है। अभी कोई भी रिव्यू ऐसे थे जो आपको स्टोर पर नहीं दिखाना है, तो आप उसको जस्ट यहाँ से ऑफ कर सकते हो और जो दिखाना है उसको आप ऑन रख सकते हो। बाकी आप रिव्यूज पे ऐसे एडिट भी कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो हम ही डालते हैं हमेशा रिव्यूज हमारे। तो इसको ऐसे छोड़ देना आप एज इट इज, ठीक है। अभी बात आती है कि इस एप्लीकेशन का नाम है क्या। तो गाइज इस एप्लीकेशन का नाम है ट्रस्टो प्रोडक्ट एंड अली रिव्यूज। तो आप ये भी कीवर्ड अगर से आप सर्च कर लोगे अपने शॉपिफाई एप्लीकेशन पर, तो आपको ये वाला जो एप्लीकेशन है वो मिल जाएगा। इसका डेमो वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसको आपके स्टोर के ऊपर डालो और फ्री में रिव्यू आप यूज करो, ठीक है। इनका पेड प्लान भी अवेलेबल, लेकिन यार पेड लेने का कोई फायदा ही नहीं है। लिटरली हमें सब कुछ फ्री में मिल रहा है, सो क्यों ही हमें पेड वाला लेना है, राइट। और लेना भी रहा तो इसका रेटिंग भी प्राइस भी कम है एज कम्पेयर टू अदर पेड एप्लीकेशंस, लाइक जो भी आपको पता है लुक्स हो गया, ए रिव्यूज हो गया, उन सबसे इसका बहुत पेड प्लान भी सस्ता है। सो आप पेड लेना है तो आप ले सकते हो। बाकी यार मेरा काम तो फ्री में हो जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्री वाले के साथ में ही जा सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर से आपको वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर से आपको ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग या फेसबुक एड्स के कॉन्टेंट में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।